दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट के ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पढ़ रहे फिजिक्स, जिसमें हमारा आज का है चौथा एक्सरसाइज, मींस प्रकाश, मींस लाइट। चलो स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले मैंने लाइट के और भी कई, मींस फिजिक्स या लुसेंट के और भी बहुत सारे मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो। अगर आप वो नहीं देखे होगे तो देख लेना, क्योंकि लुसेंट जो है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। फोटोन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं, फोटोन। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगे है? तो अभी मैंने पढ़ा था कुछ देर पहले, मीन्स ध्वनि के बारे में, पहला लेसन ध्वनि था। तो ध्वनि क्या था, अनुदैर्ध्य तरंग था। और तब मैंने जिक्र किया था कि प्रकाश कैसा है, अनुप्रस्थ है, ठीक ना। प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ है, और ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य है। दोनों याद रखना है आपको। फिर प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्रकाश का सिद्धांत जो है हाइगेंस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, हाइगेंस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों को अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? मीन्स किससे पता चलता है कि प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ होता है? तो वो होता है ध्रुवन से। प्रकाश एक प्रकार की प्रकाश चुंबकीय तरंग है, वह सर्वप्रथम किनके द्वारा कहा गया था? तो वो थे मैक्सवेल ने कहा था कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, मैक्सवेल ने कहा था। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ये कहे थे ग्रेमेल्डी ने। इनके द्वारा कहा गया था कि प्रकाश जो है उसके तरंग का विवर्तन भी होता है। जानते हो विवर्तन प्रावर्तन, उसमें विवर्तन का जो सिद्धांत है इनके द्वारा दिया गया, ग्रेमेल्डी के द्वारा। प्रकाश से विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? आइंस्टीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो दोनों में क्या नहीं होता है? तो ध्रुवन दोनों का नहीं होता है, ध्रुवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुवन। ना तो ये ध्वनि का होगा, ना ही प्रकाश का होगा, ध्रुवन। फिर किसी अवरोध की कोर या किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? जब कहीं से लौट के वापस आ जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, विवर्तन। देखो ऑप्शन, अगर प्रावर्तन रहता तो हम परिवर्तन के साथ जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक मान लो बाल्टीन में पानी भरा हुआ है और उसमें अगर हम छाल डालते हैं तो क्या होता है, ये मुड़ा हुआ प्रतीत होता है हमको। तो इसका कारण क्या होता है, वो होता है विवर्तन। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो ये हम पढ़े हैं कि व्यतिकरण के कारण ये पता चलता है कि प्रकाश क्या है, उसमें तरंग है, प्रकाश एक तरंग है, तो व्यतिकरण का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश क्या है, कण भी है और तरंग भी है, ठीक ना। तो कण और तरंग दोनों के समान, प्रकाश किसके समान है, तरंग और कण दोनों के समान। फिर प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो दिया हुआ है प्रावर्तन ऑप्शन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रावर्तन। प्रकाश के ध्रुवन की घटना के यह सिद्धांत होता है कि प्रकाश तरंग क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। मीन्स प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगें क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ। सूर्य लगभग 4×10^26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है, तो सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने में उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो ये बस याद रखोगे, यहाँ पावर क्या होगा, नैनोमीटर में, ठीक है, 9 है। तो 4×10^9 kg/s से वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो वो किए थे रोमर ने। प्रकाश का वेग कितना है, 300,000 m/s, ठीक ना। और एक साल में प्रकाश जितना दूरी कवर करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर। और कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, तो डिस्टेंस का मात्रक है, दूरी का।
नेक्स्ट है प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो मैंने जब ध्वनि का बताया था तब मैंने जिक्र किया हुआ था कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है, निर्वात में, निर्वात के बाद हवा में, निर्वात की अगर बात करें तो हवा में, और फिर उससे कम किस में होगा, द्रव में, द्रव मतलब पारा अगर हो तो उसमें, और फिर पानी में, द्रव में, और फिर ठोस में मीन्स कांच में। तो यहाँ पे सबसे अधिकतम पूछा जा रहा है तो क्या हो जाएगा, निर्वात में। फिर है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है, अगर तापमान बढ़ेगा तो स्पीड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से लाइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक ना, वैसा ही रहता है। अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि जैसे साउंड है, ध्वनि, ध्वनि के स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है अगर तापमान इंक्रीज होगा तो। मैंने बहुत बार जिक्र किया था और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि का स्पीड क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, सेम रहता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, मीन्स आपको ऑर्डर में मीन्स बताना है। तो मैंने क्या बताया, सबसे ज़्यादा क्या होता है, निर्वात में होता है, निर्वात दिया नहीं है, फिर हवा में, तो हवा भी नहीं दिया गया है, तो फिर जल में, ठीक ना, जल में, जल, फिर कांच और फिर हीरा। आपको ठोस, द्रव, गैस ऐसे याद रखना है, मीन्स सबसे अधिक किस में, गैस में, फिर द्रव में और फिर ठोस में। तो सबसे अधिक क्या होगा, जल में होगा, आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हीरा अधिक चमकीला है, उसका परावर्तक सतत तेज होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, तो आपको 2 सेकंड कहीं कहीं मिलेगा, कहीं कहीं 1 सेकंड मिलेगा, तो उसके आसपास आप टिक लगा लगना, ठीक ना, 2 सेकंड वैसे याद रखो, 1 सेकंड। फिर सूर्य से प्रकाश को धरती की सतह तक पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, तो इसमें आप 8.5 कहीं पे आपको 8.20 लिखा मिलेगा, या कहीं 500 सेकंड मिलेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको, सॉरी, आप अपने अकॉर्डिंग क्या करो, उसको एडजस्ट कर लेना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8.5 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की गति कितनी है, तो वो है 3×10^8 m/s, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 दिया गया, ठीक ना, याद रखना इसको, प्रकाश की गति। फिर सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो उसका कोरोना दिखाई देता है, कोरोना, उसी के कारण धरती पे क्या होता है, प्रकाश मान रहता है, कोरोना। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, तो सबसे अधिक देर तक जो सूर्य ग्रहण रहेगा उसका ड्यूरेशन क्या होगा, 460 सेकेंड, 460 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, चंद्रमा बीच में होता है, ठीक ना, चंद्रमा बीच में होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसमें पूरा एक सोज में मीन्स एक लाइन में आ जाता है, और बीच में सूर्य होता है, चंद्रमा नहीं दिखा जाता, तो वो क्या होता है, पूर्णिमा, ठीक ना, पूर्णिमा, सॉरी, यहाँ क्या होना चाहिए, अमावस्या होना चाहिए, उस दिन दिखाई नहीं देता है हमें, अमावस्या। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो वो मेनली कब होता है, अमावस्या के दिन, ठीक ना, अमावस्या के दिन। फिर उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण होता है अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, ठीक ना, जितना उच्च अपवर्तन सूचकांक होगा वो क्या होगा, उतना रिफ्लेक्टिव होगा। नेक्स्ट है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किसी कारण थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो अगर कभी भी ऊपर उठा हुआ या कुछ लकड़ी टेढ़ा हुआ प्रतीत हो तो इस समय हम क्या आंसर मारेंगे, अपवर्तन के कारण, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, आंसर भी सही है। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, तो जब साइज का डिफरेंस हो तो इसमें हम क्या टिक लगाएंगे, अपवर्तन, अपवर्तन के कारण। फिर जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देता है, इसकी व्याख्या की जा सकती है, मीन्स वो क्यों होता है, तो उसमें क्या होता है, अपवर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, एवं परागमन की परिघटना, ठीक ना, ये तीनों होता है, अपवर्तन, विवर्तन और परागमन, तो आंसर हमारा डी होगा। फिर जल के अंदर पड़ी हुई मछली किसी कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, तो उसका भी मुख्य कारण क्या होगा, तो उसमें भी क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन।
नेक्स्ट है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति का किसी कारण जल की सतह, देखो कभी भी ऐसा रहना तो अब बर्तन पे टिक लगाना, ठीक ना। वैसे क्या दिया गया है, अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई प्रतीत होता है। जब इस साइज का कोई भी डिफरेंस होना पानी के कारण या कुछ भी कारण, तो आप क्या करोगे, अब बर्तन पे टिक लगाओगे। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपवर्तन, अपवर्तन। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे मैंने बताया था पानी से भरा बाल्टी ने सीधा नहीं जाएगा, वो क्या होता है, थोड़ा झुक जाता है, ठीक ना, अभिलंब की ओर। अभिलंब होता है ये बीच वाला लाइन, तो अभिलंब की ओर ये झुक जाता है, तो ये आंसर सही है। नेक्स्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश, तो अगर आपको याद हो तो हीरे में कौन सा परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है हीरे से कांच में, हीरा से अगर कांच में जाएगा तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, वायुमंडल में सूर्य की किरणों पर जल के बूंदों द्वारा परावर्तन। जैसे धरती गोल है तो सन का लाइट पड़ता है और ये जो रिफ्लेक्ट होके वर्षा का जो बूंद होता है या फिर उस पर पड़ता है, तो वो क्या होता है, रॉन्डेड होता है। और ये रॉन्डेड क्यों होता है, इनसे हमेशा इंद्रधनुष टेढ़ा होता है, वो धरती का शेप के कारण टेढ़ा होता है, ठीक ना। अब से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जाता है कि इंद्रधनुष क्या होता है, हमेशा सन के अपोजिट होता है, ठीक ना, तो वो भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट है, मिरीचिका या मृग तृष्णा उदाहरण है, वो क्यों बनता है, तो वो भी बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है, तो एंडोस्कोपी जो होता है उसमें भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। आंसर हमारा ये सही है। फिर प्रकाशिक तंतु में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, तो प्रकाशिक तंतु के लिए भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है, यदि प्रकाश कांच से वायु में जाएगा तो क्या होगा, आंतरिक परावर्तन। ध्यान रखिएगा, अभी हम पढ़े हुए थे कि अगर हीरा से डायमंड से अगर कांच में जाएगा तब भी क्या होगा, आंतरिक परावर्तन ही होगा। तो ये दोनों के साथ याद रखोगे, कांच से वायु हो या हीरे से कांच में हो, तब दोनों क्या होगा, आंतरिक परावर्तन होगा। नेक्स्ट, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, ये भी क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, तो वही मिर्ची का, इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, आसान सा है, 7 रंग होते हैं। चलो यहाँ पे आप मुझे एक प्रश्न बताओ कि इंद्रधनुष में बीच का कलर कौन सा होता है, 7 कलर तो होता है पर बीच में कौन सा कलर होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रश्न ये। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, तो हीरे में कौन सा क्या होता है कि वो चमकदार दिखाई देता है, तो वो क्या होता है, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हीरा चमकता है। रेगिस्तान में मिरीचिका जैसी घटना का कारण क्या है, कहीं पर भी मिरीचिका हो या मृग तृष्णा हो, कुछ भी हो, उसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष का कारण क्या है, इंद्रधनुष का कारण क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है, मैंने ही बताया था, उसमें क्या होता है, मतलब अभी पढ़े थे कि परावर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, अपवर्तन तथा इसका क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग टिक लगाओगे, ठीक ना। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न आता है कि जो भी अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो उसको काला दिखाई देता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, प्रकीर्णन के कारण। क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। फिर महासागर का रंग नीला दिखाई देना, क्योंकि उस पर गिरने वाला प्रकाश क्या करता है, उसके साथ प्रकीर्णन करता है। जब भी कलर डिफरेंस का बात हो, जैसे कि सुबह में हम या कभी भी सन का कलर जो क्या होता है, रेड होता है, तो उसका भी मुख्य कारण क्या है, प्रकीर्णन। जब भी कलर का डिफरेंस हो तो प्रकीर्णन, याद रखना इसको। फिर आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि, तो छोटी तरंग धड़ी वाला प्रकाश बड़ी तरंग धड़ी वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। प्रकीर्णन शब्द इंडिकेट होगा ही उसमें, तो आंसर हमारा बी सही है। प्रकाश में, सॉरी, वायुमंडल में
प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण, धूलकण के कारण होता है, ठीक ना। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? मैंने जिक्र किया था काला दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? काला। फिर उगते और डूबते समय सूरज का रंग लाल प्रतीत होता है, क्यों दिखाई देता है ऐसा? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए। देखो प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लेकिन वो भेदन क्षमता या दूर जाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, ठीक ना। तो इसके कारण क्या होता है? सूर्य लाल दिखाई देता है। आपसे ये भी प्रश्न में ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है दूरी के कारण, तो उस पर भी आप टिक लगा लोगे, ठीक ना। दूरी के कारण भी वो हमें लाल दिखाई देता है, कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन आता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर होता है ना। तो वैसे अभी यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी, मीन्स लाल रंग का परिकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। फिर खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है, तो ये तो हम सभी जानते हैं, क्यों किया जाता है? इसका प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, और इसका विचलन जो होता है, विचलन मीन्स इधर उधर जाने की प्रवृत्ति भी क्या होती है? वो कम होती है। ये भी आपको रहेगा, यहाँ पे प्रकीर्णन के जगह पे विचलन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है एग्जाम में, तो आप उसके अकॉर्डिंग टिक लगा लोगे, ठीक ना। फिर समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? इसमें क्या होता है? आकाश के प्रवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी सही है। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो कोई अधिक विक्षेपण रंग मीन्स उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो वो होता है बैगनी। बैगनी सबसे अधिक विक्षेपित होता है, मीन्स सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी का। फिर समुद्र का जल नीला होने का कारण, बार बार वही रिपीटेड प्रश्न है, तो इसका क्या हो जाएगा? जल के अणु द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। सूखा भालू चमकीला क्यों दिखाई देता है, जबकि गीला भालू धूतिहीन दिखाई देता है? तो उसका मुख्य कारण क्या है? परावर्तन। परावर्तन, क्योंकि जिसे पानी गिर जाता है वो क्या होता है? परावर्तित नहीं कर पाता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि, तो क्योंकि वातावरण के वायु कण सूर्य किरणों को क्या कर देता है? विकिरणित करता है, जिसके कारण क्या होता है? आकाश नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन हमारा डी सही है। फिर साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिमाण है? तो ये क्या होता है? परावर्तन और व्यतिकरण दोनों इसका कारण है, तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। कार के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? दृश्य अवलोकन की बात की जा रही है, इसमें हम करते हैं उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण है, ठीक ना, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, मोटर कार में पश्चिम दृश्य मीन्स साइड मीटर जिसको कहते हैं, के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? जिसमें क्या होता है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दांत के डॉक्टर का दर्पण कौन सा होता है? दांत का डॉक्टर से मतलब है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अगर कोई भी होगा तो कौन सा होता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। आंसर हमारा बी सही है। कार के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होता है इसमें? परवलय अवतल, परवलयकार अवतल। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए या हजामत के लिए पूछ सकते हैं, नाई, तीनों वर्ड यूज किया जा सकता है यहाँ पे, कौन सा बर्तन यूज, कौन सा दर्पण यूज करता है? तो वो होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। फिर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है, मीन्स दर्पण सूत्र के लिए इनमें से कौन सा क्या है? दर्पण सूत्र है, तो कौन सा है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कार चलते समय अपने पीछे की यातायात को देखने के लिए, मीन्स साइड मीटर ही हुआ, ठीक ना, उसके लिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक। आंसर हमारा क्या होगा? ये सही है। फिर 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने की आवश्यकता के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 0.75 मीटर। देखो जितना भी ऊंचाई है ना, ये दर्पण है, तो ये जितना लंबा होगा उसके दुगुने आदमी को हम देख सकते हैं, मीन्स किसी सामान को देखने के लिए, उसको पूरा देखने के लिए दर्पण का हाइट क्या होना चाहिए? उस सामान का आधा होना चाहिए, तो इसीलिए 1.5 का 2 से डिवाइड कर दिया गया है, ठीक ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। जैसे आप 4 फुट या मान लो आप 8 फुट के हो, ठीक ना, तो आप अपना पूरा शरीर देखने के लिए कौन सा दर्पण चाहिए? 4 फुट का दर्पण चाहिए।
अब देख पाओगे पूरा। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई है तो उस पर बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। देखो दो समांतर रखा गया ठीक ना, तो वो क्या होता है, अनंत होता है, अनंत। फिर दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है तो उसके मध्य एक मीन्स मोमबत्ती जलाई गई है, तो मेनली पूछा जा रहा है कि उसमें कितने आपके मीन्स पिक्चर बनेंगे। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि 360 में डिवाइड कर दो, 360 है, इसमें क्या करो 90 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा 4। और जब भी कोई इवेन नंबर आए, सम संख्या आए, तो उसमें से -1 कर दो। समझ में आया? अगर ऑड नंबर ही आए मान लो तो हमेशा ऑड बनेगा ठीक ना, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, 3। ये याद रखो कि हमेशा ऑड बनता है, तो ऑप्शन देखे भी टिक कर सकते हो कि 2 होगा नहीं, 4 होगा नहीं, अनंत बनेगा नहीं, अनंत बस समांतर होगा तब बनेगा। फिर जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए, अभी हम पढ़े थे 90 डिग्री का, 90 डिग्री। अब यहाँ पे है कि यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर अनत है तो बीच खड़ा हुआ प्रतिबिंब कितना बार बनेगा। देखो क्या करेंगे, 360 बाय क्या करेंगे हम, 60 करेंगे, 0 0 कट गया, ये 6 से कट गया, और मैंने क्या किया, जब इवेंट नंबर आए तो -1 कर दो ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 5, आंसर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अभिसारी लेंस वो होता है जो क्या होता है, इसमें एकत्रित होता है, किरणें को एकत्रित करता है, तो वो होता है अभिसारी। और अपसारी में क्या होता है, वो किरणों को फैलाता है ठीक ना, अपने से छोड़ता है, तो किरणें को वो फैलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी। अभिसारी और अपसारी में कन्फ्यूज नहीं करना, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। नेक्स्ट है, वायु का बलबुला जल में व्यवहार करेगा तो वो होता है अवतल लेंस की भांति। इसमें का बहुत कन्फ्यूजन होता है, याद रखना अवतल लेंस की भांति। फिर वायु में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस, कैसा, अवतल लेंस। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस की तरह, जल के अंदर है पानी का बुलबुला ठीक ना, तो अपसारी की तरह। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता मापते हैं तो डायोप्टर, डायोप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डायोप्टर। धूप चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर 0 डायोप्टर। एक लेंस का फोकस अंतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी दक्षता होगी क्या होगा, +4D। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, देखो ये कुछ न्यूमेरिकल है तो ये मैं अभी छोड़ देता हूँ, न्यूमेरिकल के लिए जो भी है करीब लेंस से रिलेटेड, तो अगर आपको देखना है कि, तो 10th के लिए मैंने वीडियो बना दिया है लेंस से न्यूमेरिकल, तो वो आप देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्षमता क्या होता है, घट जाएगा। नेक्स्ट है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेपन। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, तो सबसे कम विचलन होता है रेड का मीन्स लाल का, और सबसे अधिक विचलन होता है वायलेट का मीन्स वैगनी ठीक ना, याद रखना। फिर श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना है, तो 7 रंगों के मेल से श्वेत बना है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है तो क्या हो जाएगा, वैगनी। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलित क्या होता है, रेड होता है, लाल। चलो देखो आज हम यही कवर करते हैं, 90 प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया इस वीडियो के माध्यम से, और भी इसमें करीब 90 प्रश्न है तो वो मैं अगले वीडियो में लेके आ जाऊँगा, काफ़ी ये वीडियो लंबा हो रहा है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आपको और अपडेट मिलता रहेगा एजुकेशन रिलेटेड, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनका भी एग्जाम है, तो फायदा होगा उनको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।